यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो 29 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन की। फ़ी सबमिट नहीं की है तो आप लोग 29 अक्टूबर तक फ़ी सबमिट कर सकते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला। मैं माला खान। आज हमारी वीडियो यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, हम सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन यूजीसी नेट एग्ज़ाम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ जनरल सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दिक्कत आती है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे, अदरवाइज़ वो मिल जाते हैं तो उनके आंसर्स मतलब सॉल्व पेपर कैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ें अरेंज करते करते ना एग्ज़ाम टाइम सामने आ जाता है और चीज़ें मतलब ऐसा कि सब चीज़ों को कंप्लीट करना, अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और चीज़ें जब नहीं होती, अरेंज नहीं होती हैं, तो फिर मतलब एक इनकम्प्लीट फील होता है और एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। ऑसवाल्ड्स बुक लेकर आया है ईयर वाइज 13 सॉल्व पेपर। ये बुक का फ्रंट है, ये बुक का बैक है। बुक खोलते ही हमें एक्सपर्ट टिप्स मिलती है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फिर आता है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे हमें पता चलता है कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। इवन ये तो बात हमें पहले ही पता चल जाती है, बट फिर भी इसमें दिया हुआ है, होता है लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, सिलेबस भी हम चलो देख लेते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें ट्रेंड एनालिसिस। इससे हमें पता चलता है कि किस एग्ज़ाम में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको ये बुक देती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। और अब यहाँ दिया गया है 2021 और 22 की कट ऑफ, कि आपकी सब्जेक्ट वाइज दी हुई है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ आती है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें और आप अपनी कट ऑफ में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट आने वाली कट ऑफ कितनी होगी आपके सब्जेक्ट्स की। अगर हम इतना सब एनालाइज कर लेते हैं ना, 50% हमारा एग्ज़ाम यहीं से प्रिपेयर हो जाता है। 40-50% की तैयारी हमारी यहीं से हो जाती है। इस बुक में एक नहीं, बहुत सारे बेस्ट पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट्स एक और हमें दिखता है, ये है माइंड मैप्स। इस माइंड मैप्स में हमें बहुत सारी ऐसी टिप्स दी हुई हैं जो हमें किसी कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। ये माइंड मैप्स बिल्कुल हमारा रीजनिंग बेस्ड होता है, जिसमें परसेंटेज प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ इसमें हमें दी हुई हैं जो ये बुक देते हैं। अब बात आती है सॉल्व एग्ज़ाम पेपर्स की। तो देखिए, यहाँ ना 13 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, 13 सॉल्व पेपर दिए गए हैं ईयर वाइज, है ना, 2022 आपके बैक प्रीवियस ईयर से जा रहे हैं, वहाँ आपके 13 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। और सभी पेपर्स में सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी है कि सभी सॉल्व पेपर के साथ साथ इसमें यूनिट में कितने को हर ये बताया गया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं ना, तो हमारी बहुत चीज़ें कवर हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कितनी स्टडी करनी है। और हर सॉल्व पेपर आपको इसी तरह से मिलेगा। अगर आप ये सॉल्व पेपर ही सॉल्व कर लें और एनालाइज कर लें तो ज़रूर नेट ही नहीं, JRF भी आपका क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुरु पाठशाला, ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज।